अब देखिए, बैठक के बाद करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जनसंवाद भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। तस्वीरें भी कार्यक्रम के दौरान की सामने आई है। काफी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, लोगों की समस्याओं को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सुन रहे हैं और जल्द ही समाधान करने के निर्देश भी जारी कर रहे हैं, आदेश भी जारी कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, तब भी वो इस तरह के कार्यक्रम करते थे, और अब क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, तब भी जनसंवाद कर रहे हैं। करनाल में उनका ये जनसंवाद जो है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जारी है, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। काफी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं अपनी अपनी समस्या लेकर। देखिए, अब वो एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर हो, सांसद के तौर पर हो, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनको सुलझाना, और ये उस दौरान की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मुकुल सतीजा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकुल, और क्या जानकारी है जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे हैं। करनाल में जो है जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर तकरीबन 100 के करीब जो है लोग यहाँ पर अपनी समस्या लेकर, कोई शिकायत लेकर, अलग अलग तरीके के लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही तमाम संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, ताकि जितने भी लोग समस्या लेकर आ रही हैं उनकी जो है मौके पर ही निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो कुछ शिकायतें रह गई हैं जिनका समाधान अभी फिलहाल नहीं हो सकता है, वो तमाम अधिकारियों को जो है एक समय दे दिया गया कि इतने समय के अंदर अंदर उनकी तमाम जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो है निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। कोई पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याएं हैं, कोई अलग अलग विभागों से जुड़ी समस्याएं हैं, कोशिश हालांकि यही की जा रही है कि उनका निपटारा जो है तुरंत मौके पर किया जा सके। जी ठीक है, तो अलग अलग समस्याएं लोग जो है लेकर पहुंच रहे हैं, जिनको सुन भी रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। मनोहर लाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।